हेलो सोनीश हेलो सर, बेटा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें जेई एडवांस में सिलेक्ट होने के लिए। थैंक यू सर। सोनीश, तुम ई सरल के सबसे पहले स्टूडेंट हो जो पूरे 2 साल सिर्फ ई सरल से पढ़ाई करी तुमने घर पे रहकर। और बेटा आज रैंक आई है तुम्हारी 4906 रैंक आई है तुम्हारी। तो बेटा कैसा लग रहा है तुम्हें? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 2 ईयर की जर्नी के बाद जो रैंक आई है उसके बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ई सरल का बहुत बड़ा रोल रहा है इस रैंक को लाने में। और मैंने सिर्फ ई सरल के थ्रू ऑनलाइन ही पढ़ाई करी और स्कूल जाता था उसके हिसाब से। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम चित्तौड़ से हो? चित्तौड़ राजस्थान से हो तुम? तो तुम्हें 10th के बाद में कैसे पता लगा? तुमने क्या सोचा कि यार है ना, मैं कैसे आईआईटी की तैयारी करूंगा? और कैसे तुम्हें ईसरल के बारे में पता लगा था? 10th के बाद जैसे मेरे को साइंस मैथ्स में इंटरेस्ट था तो मैंने साइंस मैथ्स ली। ठीक तो है। मैंने साइंस मैथ्स सेम ही स्कूल से कंटिन्यू, जिसमें मैंने 9th 10th पढ़ी थी, उसी से मैंने 11th 12th पढ़ने का डिसाइड करा। ठीक इसी है। कारण से कोटा में मैं जाना नहीं चाहता था। मैंने ये डिसाइड करा कि 1 साल ड्रॉप करके मतलब कोटा 12th के बाद मैं कर लूंगा। तो अच्छा बोर्ड को प्रिफरेंस देने चाहा मैंने उस टाइम पे, अच्छा बोर्ड को प्रेफरेंस, ठीक है। तो बोर्ड्स को प्रिफरेंस दी। तो मैंने सेम स्कूल से 11th 12th पढ़ी, फिर ठीक है। मैंने उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। फिर मेरे को ये भी था कि मैं साथ साथ में जेई की प्रिपरेशन भी कर लूँ 11th 12th के साथ, तो ठीक है। मतलब मैं प्रिपेयर रहूंगा और कर सकता हूँ 11th 12th के साथ प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत से बच्चे करते हैं। बट ये मैं अपने होम टाउन मतलब जहाँ पर हूँ उसी वहीं से ही करना चाहता था, ठीक कहीं है। कोटा वोटा नहीं जाना चाहता था। तो फिर मैंने देखा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखा, तो मैंने ईसरल के बारे में सुना था। तो फिर मैंने ईसरल के बारे में सुना तो देखा, तो फिर मैंने ईसरल लिया। तो ईसरल इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया ईसरल। अच्छा, तो सुनीश तुम तो साथ में स्कूल भी गए, घर रहकर भी पढ़ाई करी, तो क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आए तुम्हारे सामने? कैसे कैसे तुमने स्कूल को और ईसरन को बैलेंस करा, वो बताओ बेटा थोड़ा सा। जैसे मैं जाता था तो स्कूल के साथ मतलब जेई की प्रिपरेशन करना वो बहुत डिफिकल्ट रहता था, क्योंकि स्कूल भी मेरा बहुत लंबा चलता था। मतलब 6:45 पे मैं घर से निकलता था और 2:15 पे आता था, तो अच्छा। अराउंड 7 आवर्स हो जाते थे। तो फिर मेरे को दूसरी जगह सेल्फ स्टडी का भी टाइम देना था, स्कूल का होमवर्क भी करना था, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। तो ठीक है। फिर मैं क्या था कि स्कूल के बाद मैं आता था और एक्स्ट्रा जो दूसरे डिस्ट्रेक्शन थे ना टीवीईएन को नहीं देता था, रेस्ट करता था स्कूल से आके। फिर मैं ठीक है। ईसरल के थ्रू वीडियो लेक्चर्स देखता था, तो जो वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद मैं शीट्स करता था, तो साथ साथ में मैं दोनों की तैयारी हो जाती थी। जैसे मेरे अच्छा। स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो ऑफलाइन यहीं की कोचिंग जाते हैं, तो मेरे अच्छा। को उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके थ्रू ईसरल के थ्रू पढ़ता था तो मेरी सारी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे, तो एक्स्ट्रा कोचिंग्स की भी जरूरत नहीं पड़ती थी और पूरी हेल्प हो जाती थी। तो वो उसमें टाइम सेव हो जाता था इसके थ्रू पढ़ने से, तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी और मैं वीडियो लेक्चर्स देख के अच्छे से समझ के करता था, तो स्कूल के जाने के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाता था। मैं स्कूल के लिए भी समझ में आ जाता था, स्कूल में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो भी समझ में आ जाता था, और जेई की भी प्रिपरेशन अच्छे तरह के हो जाती थी, और शीट्स अच्छा। और होमवर्क मिलता था रोज की रोज, वो मैं कर लेता था, जिससे सब मैनेज हो जाता था। और कुछ भी डाउट होता था तो मैं मेंटर से कांटेक्ट कर लेता था। अच्छा, तो बेटा है ना, जैसे स्कूल और ईसरल पैरेलल में मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हाँ इसको जैसे तुमने बताया कि एक तुम ईसरल ईसरल से पहले से पढ़ लेते थे, कुछ एक शीट्स कर लेते थे, तो क्या इसका एक कुछ प्रॉपर स्केड्यूल बना रखा था तुमने कि इतनी बजे से इतनी बजे तक ये काम करना है, या फिर कभी भी कर लेते थे? नहीं, वो तो एक तरह से टाइम टेबल भी मिलता था ईसरल की तरफ से, कि मतलब बता था कि मैं रेगुलर भी जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे को एक पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता था, अच्छा। उसको मैं फॉलो करता था। तो मैं ऐसे इरेगुलर वे में कुछ नहीं पढ़ता था, मतलब जो टाइम टेबल मिलता था उसको फॉलो करने की रहता था। स्कूल से आने के बाद बहुत सी बार थक भी जाता था, क्योंकि 7 आवर का स्कूल रहता था तो बहुत लंबा रहता था। ठीक तो फिर है। मैं रात को जैसे ईसरल में कभी भी मतलब जब भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग पढ़ सकता था, तो एनी टाइम मैं पढ़ लेता था, और मतलब 3 to 4 आवर मैं रोज दे देता था मतलब। तो अच्छा। फिर उसको बहुत हेल्प हो जाती थी, और मैं टाइम टेबल की हेल्प से मेरा मतलब वो रहता था कि मेरी प्रोग्रेस सही चल रही है नहीं चल रही है। तो बस ये है कि कभी कभार मैं बीच में थक भी जाता था, मतलब स्कूल से आने के बाद लंबा रहता था, तो फिर मैं मतलब लेट को भी पढ़ सकता था और सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेता था। कभी कभार कुछ समझ में भी नहीं आता था तो मैं वापस देख लेता था, तो
तो फिर इसमें हो जाता है। अच्छा चलो, अच्छा तो एक बात बताओ, घर पे रह के जो मैंने डिस्ट्रैक्शंस पूछे थे, तो जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं घर पे उसको कैसे अवॉइड करा? जैसे घर पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते थे, फ्रेंड्स तो वो रहते थे, तो मैं ज्यादातर कम ही कांटेक्ट रहता था, मैं बाहर आता जाता कम ही था। अच्छा, स्कूल से सीधा घर पे ही आता था, स्कूल से सीधा घर पे ही आता था मैं, तो फिर ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी रहते थे और मैं ज्यादा पर्सनल व्हीकल भी नहीं रख रखा था, तो मतलब साइकिल से ही ज्यादातर काम करता था, तो इधर उधर घूमने की भी नहीं रहती थी। अच्छा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, व्हीकल रहता था तो फिर आने जाने में रहता था, और ज्यादातर मैं सेपरेट रूम था मेरा, उसी में पढ़ता था तो उससे ही कर लेता था, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे। फ्रेंड्स भी मेरे ज्यादा सपोर्टिव भी थे स्कूल के, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे। अच्छा चलो बढ़िया, अच्छे फ्रेंड्स थे तुम्हारे। हाँ, और पेरेंट्स भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, मतलब टाइम वो पूरा सेट कर देते थे और ऐसा करते थे कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। अच्छा, अब तुम जैसे ईसरल से भी पढ़े थे, तो कैसे पढ़े थे ईसरल से, एक बार वो बताओ, कैसे क्या क्या फॉलो करा था तुमने और कैसे तुमने अपने शेड्यूल को मैनेज करा था, वो बताओ एक बार। ईसरल में जैसे शेड्यूल मिलता था तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स देखता था, मतलब सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल मिलता था रोज का, कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट के कितनी देर देखने हैं, ठीक है, शेड्यूल मिलता था, तो वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेक्चर्स देखता था और फिर उसके को उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाता था, फिर जो नोट्स के बाद मैं शीट्स करता था और फिर मैं उनको रिवाइज करता था, ठीक है, जो भी पढ़ना है उसको रिवाइज करता था, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती थी, रिवीजन भी हो जाता था और वीडियो लेक्चर्स भी पढ़ लेता था, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कर लेता था। और अच्छा, फिर जो टेस्ट रहते थे वो टेस्ट भी रहते, मतलब रिव्यू टेस्ट होते थे वीकली इस सेल में, तो वो मैं कर दे देता था, तो उससे मतलब रिवाइज भी होता जाता था और अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाती। अच्छा अच्छा, तो तुमने बोला कि अभी तुम टेस्ट भी देते थे, तो टेस्ट में जाहिर सी बात है कभी कम नंबर भी आए होंगे, कभी ज्यादा नंबर भी आए होंगे, तो जब कम नंबर आते थे तो अपने मोटिवेशन को कैसे हाई रखते थे, कैसे बैलेंस रखते थे अपने मोटिवेशन को? कभी कभार टेस्ट देने के बाद मैं डिमोटिवेट भी हो जाता था, तो मैं उस टाइम पे मेंटर से कांटेक्ट करता था। अच्छा, तो वो मतलब बताते थे, पहले मैं कोई स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं, तो मेंटर से कांटेक्ट करता था, फिर वो बताते थे कि किस तरह से टेस्ट एनालिसिस करना है, तो टीचर से कांटेक्ट करता था, वो बताते थे टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है और वो बताते थे कि होता है ऐसा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो मैनेज करना आ गया, तो उस तरह से होता था। टेस्ट एनालिसिस से गलती पकड़ में आ जाती थी, फिर थोड़ा वो नर्वसनेस मोटिवेशन देता है वो। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनीश, पूरी जेई जर्नी में तुम्हें सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था तुम्हारा? वैसे तो मतलब मैंने पूरी जर्नी में सबको बैलेंस रखने की कोशिश करी, जैसे टीचर्स सारांश प्रतीक सा ये बताते हैं कि सब में बैलेंस जरूरी है, बट फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, तो फिजिक्स में बहुत मजा आता था मेरे को, और फिजिक्स में मतलब बहुत अच्छी तरह से विजुलाइजेशन हो जाता था, सारांश सर बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़ाते थे, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाते थे, तो प्रैक्टिकली पूरी चीज दिखने लग जाती थी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से आने लग जाते थे, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से विजुलाइज हो जाते थे, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो मतलब यूं ऐसा लगता था ब्लड में फ्लो कर देते। अच्छा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाते थे। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम्हारी सुनीश है ना, जनवरी के अंदर एक एवरेज परसेंटाइल थी, फिर सितंबर के अंदर सोचा था कि इम्प्रूव करेंगे, लेकिन वहां पे भी जनवरी से लगभग आसपास परसेंटाइल आई थी, तो फिर एडवांस दें अपन प्रॉपर तरीके से, तो वो कैसे सोचा कि यार अब एडवांस प्रॉपर तरीके से दूंगा, और फिर एक जो एवरेज परसेंटाइल थी उससे तुमने सिलेक्शन कैसे इंश्योर करा? जैसे मेरी जनवरी में भी परसेंटाइल एवरेज ही थी, डिसेंट थी, तो मेरी ज्यादा थी, तो मैंने सोचा कि सितंबर में अच्छी तैयारी करूंगा और अच्छे से करूंगा, तो सितंबर में मैंने बहुत हार्ड वर्क करा, परसेंटाइल इम्प्रूव करने की कोशिश करी सितंबर में, बट ठीक नहीं हुई वो भी, सितंबर में भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी उससे कम अच्छा रिजल्ट रहा। अच्छा, तो फिर इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया, तो फिर एडवांस भी आ रहा था साथ, ज्यादा गैप ही नहीं था एडवांस में भी, हाँ कम था, कम गैप ही था, तो ज्यादा गैप भी नहीं था, तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था एडवांस की परसेंटाइल के, मतलब मेंस की परसेंटाइल आई थी उससे। अच्छा, तो फिर मैंने मेंटर से कॉन्टेक्ट करा और टीचर से कॉन्टेक्ट करा,
है कि कर सकते हैं, मतलब एडवांस एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है जिसमें अपने कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं जो उसमें बहुत हेल्प थी, कॉन्सेप्ट मेरा अच्छे थे तो टीचर्स ने और मेंटर्स ने समझाया अच्छा जो कॉन्सेप्ट वो अच्छे हैं तो उनके बेसिस पे कर सकते हो। बहुत से बच्चे जो मेंस में अच्छा नहीं करते वो एडवांस में अच्छा कर सकते, उन्होंने बहुत मोटिवेट करा। फिर भी थोड़ा बहुत नर्वस था मैं एडवांस के लिए, फिर मैंने एडवांस दिया अच्छा मैं ठीक आ गया, अच्छा स्कोर आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा तो तुम्हारा तो जैसा मुझे याद है जेई एडवांस के पहले पेपर के अंदर जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था फिजिक्स, तुमने उसको अटेम्प्ट करा और उसके अंदर तुम्हारे कुछ कम क्वेश्चंस बने थे, 4-5 क्वेश्चंस तुम कर पाए थे उसके अंदर। तो फिर वहां पे तुमने मेंटल प्रेशर कैसे हैंडल करा, मेंटल पीस कैसे बैलेंस करा वो बताओ। मतलब जैसे जेई एडवांस का पेपर दे रहे हो आप और आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है फिजिक्स, जैसे मैं फिजिक्स से ही स्टार्ट किया करता था और वो ही उसके ज्यादा 4-5 क्वेश्चंस हुए, 4-5 क्वेश्चंस हुए, तो मतलब एक बार तो बहुत ज्यादा मैं नर्वस हो गया था कि फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे और बहुत ज्यादा मैं नर्वस हो गया था। फिर जो इस टाइम पे जो मेरे टीचर्स थे, मतलब सारांश सर ने बताया था और मेंटर्स ने भी पहले से प्रिपेयर कर रखा था बताया था, तो फिर वो बात मेरे को याद आई कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है एग्जाम में। सारांश सर ने उनमें बता रखा था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो उन्होंने खुद की सिचुएशन के भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी दिए थे कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो अपन को उस सिचुएशन में बिल्कुल काम रहना है और घबराना नहीं है। अच्छा फिर मैंने फिजिक्स के बाद मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स पे करा कि मैथ्स में जाता हूँ, ठीक है, जो स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंग थी कि अगर सब्जेक्ट नहीं होता है तो भी मैं उसमें भी लड़ सकता हूँ केमिस्ट्री मैथ्स करा, तो फिर वो मेरा एवरेज गया तो उसमें ठीक हुई केमिस्ट्री और मैथ्स। अच्छा ठीक हो गया, फिर हो गया मेरा। ठीक है बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा सुनीश जैसे है ना तुम्हारा जेई मेन जनवरी के अंदर एक एवरेज स्कोर था जैसे अपन ने अभी बात करी, तो फिर लॉकडाउन हुआ, तुम्हें पहले ये एक्सपेक्टेड था कि यार अप्रैल के अंदर होगा, फिर वो लॉकडाउन होता सितंबर के अंदर पेपर हुआ, तो तुमने कैसे उस एक्स्ट्रा मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम का कैसे यूज उठाया वो बताओ बेटा। जैसे कि जनवरी अटेम्प्ट के बाद अप्रैल में अटेम्प्ट होना था तो बीच में लॉकडाउन हो गया था कोविड के कारण, तो फिर उसमें फिर उसका मैंने एक अच्छी तरह से प्लान वे में उसका यूज करा, उसमें मैंने सही टाइम पे क्या पढ़ना है, मेरी वीकनेस क्या है, उन पे फोकस करा और जो ठीक है तो स्ट्रेंथ में बदल दिया, मैं स्ट्रेंथ में करा। और इस तरह ये तो फायदा रहता ही है कि कभी भी अपन वीडियोस देख सकते हैं, तो जो मेरे वीक टॉपिक थे उनके वीडियोस मैंने वापस देखे तो उससे बहुत हेल्प मिली और वापस रिविजन हो गया तो वो चीजें मेरे को समझ में आ गई और मैंने लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से यूज उठाया। और बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस भी होते थे इस सेरल में होते हैं जैसे, तो उनसे उनकी भी बहुत हेल्प हुई, तो उनकी भी हेल्प से मतलब वो पूरी मतलब लॉकडाउन के केस में भी मतलब स्टडीज थी वो अच्छी तरह से होती थी, तो मैंने 10 आवर्स एटलीस्ट रोज मैंने लॉकडाउन में पढ़ा तो उसकी भी बहुत हेल्प हुई। और बहुत सारे मतलब ई सेल में वीडियो मतलब लाइव सेशंस होते थे डाउट लॉकडाउन में भी, तो उनकी भी बहुत हेल्प रही, तो उनके थ्रू भी बहुत हेल्प रही और मैंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला और इस तरह से करा। अच्छा तो बेटा है ना जैसे घर पे रहते थे तुम और स्कूल जाना होता था सब करना होता था, तो फिर ये डाउट्स जो खुद से पढ़ाई करते थे तो डाउट आते थे, तो डाउट का कैसे करते थे बेटा, कैसे सॉल्व कराते थे उनको तो वो बताओ। जैसे मेरे जो डाउट्स आते थे तो मैं ज्यादातर कोशिश करता था कि वो डाउट्स है ना मेरे मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करूँ, जैसे बताया जाता है कि अपन को इस सेरल में कि अपने डाउट्स है ना अपन को उनसे फाइट करना है, मैं एक दो दिन तीन दिन एटलीस्ट 3 डेज रहता था उसके बाद जैसे कॉन्टेक्ट करता था और डाउट्स दे, तो मतलब पहले डाउट से मैं लड़ता था हो जाते थे 50-60% डाउट्स मेरे सॉल्व हो जाते थे। अच्छा खुद से ही तुम 50-60% कर लेते थे डाउट्स। और अच्छा जो लेक्चर्स में बहुत सारे डाउट्स आते थे ना कभी कभार जो छोटे मोटे डाउट्स आते थे तो वो वीडियो लेक्चर्स इस तरह से बनाए जाते थे कि वो आगे धीरे धीरे डाउट्स क्लियर हो जाते थे, ठीक है, तो उसमें बहुत हेल्प रहती थी। और जो आगे एक्स्ट्रा डाउट्स आते थे जो समझ में नहीं आता था तो एक तो डाउट नंबर रहता है उसमें अपने डाउट डाउट्स क्लियर हो जाते थे इजीली, समझ में नहीं आता तो मैं कॉन्टेक्ट कर लेता था
बहुत सारे क्लियर कर लेता था। ठीक है। अच्छा सोनी, जैसे तुम्हारा जो सेंटर था वो तुम्हारे होम टाउन से शायद डिफरेंट सिटी के अंदर आया था, तो तुमने जो ट्रैवलिंग था सब करा तुमने, तो फिर जो एग्जाम एंजाइटी जो एक दिन पहले रहता है बच्चे के दिमाग में कि यार कल कैसा एग्जाम होगा, क्या मैंने पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा, जो सारी चीजें रहती है, उसको तुमने कैसे बैलेंस करा बेटा? मेरा सेंटर है जो मेरी होम टाउन जो सिटी है उससे मतलब 120 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो मतलब यूं थोड़ी एंग्जाइटी रहती थी कि मतलब सिटी में दूसरी सिटी में जाना है अपन को, मतलब एक दिन पहले अपन सेंटर भी विजिट नहीं कर सकते, तो थोड़ा नर्वस था, एंग्जाइटी थी, तो मतलब बहुत ज्यादा नर्वस था मैं कि कैसे क्या करूंगा। तो फिर मैं जब गया ना उसमें अपनी व्हीकल से गया वहां पर। अच्छा। मतलब उसके एक दिन पहले ही जाने का डिसाइड करा मैंने, सुबह जाने का डिसाइड नहीं करा, एक दिन पहले ही वहां पर जाके स्टे करने का डिसाइड। ठीक है। तो फिर वहां पर गया तो मैं नर्वस था बहुत ज्यादा, जाने में भी मैं थोड़ा लेट हो गया सिटी। अच्छा। जहाँ पर उदयपुर मेरा सेंटर आया था वहां पर मैं पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा। तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और मेरे को वहां पर पहुंच के कुछ फॉर्मुलेज भी रिवाइज करने थे, फॉर्मुले की पॉइंट भी रिवाइज करने थे, वो रिवाइज करने का भी टाइम नहीं बचा था। अच्छा। तो बहुत ज्यादा नर्वस था मैं। फिर वो थोड़ा बहुत फिर मैंने सारांश ऐसे कॉन्टेक्ट करा उसके बाद में उन्होंने बताया कि क्या करना है और फिर उन्होंने समझाया, तो फिर मेरा थोड़ा मतलब स्टेबल हो गया मैं। अच्छा। और धीरे धीरे मतलब मैंने एक बार लीनियंट रीडिंग कर ली सिर्फ रिवाइज करने थे, फटाफट देख लिया मैंने। ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है हो गया है, क्योंकि जेई एडवांस में सर ने बताया कि अपनी पूरी प्रिपरेशन अपने की पूरी 2 साल की मेहनत है वो उससे अपन लेट हो जाते हैं और टाइम पे फॉर्मूला ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि ऊपर नीचे हो गया था मैं तो उसमें इतनी तो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने थोड़ा काम रहा उस टाइम पे। ठीक है। तो सुनीश, तुम्हारी फैमिली का क्या रोल रहा पूरे तुम्हारी जेई जर्नी के अंदर, तुम्हारे सिलेक्शन के अंदर, तुम क्या मानते हो तुम्हारी फैमिली का क्या रोल रहा? फैमिली का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा मेरी जेई की प्रिपरेशन में, मतलब हर टाइम पे बहुत ज्यादा कभी कभार नर्वस भी हो जाता था, डिमोटिवेट भी हो जाता था, तो वो मोटिवेट करने में और मेरे को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करी फैमिली में। मतलब कभी भी मेरे को कोई दिक्कत थी, स्कूल को भी मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो उसमें भी फैमिली में बहुत हेल्प करते थे, मतलब मम्मी मेरी बहुत सारी जो चीजें थी वो पहले से प्रिपेयर करके रख देती थी कि मेरे को दिक्कत नहीं आवे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ, तो उस टाइम पे मैं अच्छी तरह से यूज कर लेता था, उस टाइम पे मैं पढ़ लेता था। अच्छा। और जो दूसरा फॉर्म फिलिंग का जो एक्स्ट्रा वर्क देता था वो बहुत सारी चीजें मतलब दिक्कत आती थी, तो वो मेरे दीदी भी कर देती थी। अच्छा। कभी कभार ऐसे कर सकते थे वो दीदी कर देती थी, उसमें उस टाइम पे मैं अच्छी तरह से उस टाइम पर मैं जेई प्रिपरेशन में यूज कर लेता था। अच्छा। तो बहुत हेल्प मिलती थी और कभी कभार मतलब यूं मम्मी का और पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहता था कि मतलब ज्यादा फोन देख रहे हैं सोशल मीडिया से इम्पोर्टेंट रहता था, वो डांट लगा देते थे कि ज्यादा नहीं देखना है, बहुत अच्छा रोल रहता था, बहुत सपोर्ट रहता था और अच्छा। वो इनफैक्ट वो कुछ सेक्रीफाइस करते थे, मतलब टीवी भी मतलब एंड के टाइम में लंच के टाइम पे टीवी भी उन्होंने बंद करवा दी थी, अच्छा नहीं देखते थे, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। अच्छा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी, आपको सोनीश IITN बन गया है अब, तो ऐसा लग रहा है सोनीश IIT में सिलेक्ट हो गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी को, हमको IITN बन जाएगा ये वाला। नहीं सही है। तो आंटी, ये पूरे 2 साल के भीतर जो सोनीश ने पढ़ाई करी IIT की, तो आप लोगों ने इसको कैसे सपोर्ट करा, आप लोगों की तरफ से आपने क्या सोच रखा था कि इसको हम कैसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इसकी जर्नी में? इसकी जर्नी में हमने इसको हेल्प दी, जो फैसिलिटी चाहिए थी वो दी, और फिर ई सरल के बारे में सुना था तो ई सरल से भी हम ज्वाइन हो गए, तो ई सरल की काफी हेल्प रही हमारे। अच्छा। इसकी पढ़ाई की जाने में और पूरा सपोर्ट मैं कहूंगी कि ई सरल का ही था हमारा। अच्छा। तो आंटी, जैसे ये ई सरल से वीडियो लेक्चर्स देखता था मोबाइल में,
तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार है ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाए या कहीं गेमिंग की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो जाए? ज्यादातर वीडियोस थे ऑफलाइन में ही होते थे, तो इतना लगता नहीं था, और फिर बीच बीच में हम देख लेते, चेक कर लेते थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है आंटी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है आंटी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।